अब ये देखिए थोड़ा सा मुझे नमकीन ले लिया, सेव, ये लीजिए दही बड़ा, ओके। हेलो दोस्तों, आज अष्टमी का दिन है, आज बहुत शुभ दिन है। आज माता जी का अष्टमी का दिन है, तो आज हम लोग का व्रत है, तो इसके लिए मैं आज केवल अपने हस्बैंड के लिए दही बड़ा बना रही हूँ। दही बड़ा बना लीजिए, बनाने के लिए देखिए मैंने थोड़ा सा दाल रात को भिगो दिया है, मैं व्रत हूँ तो क्या हुआ, उन लोग तो खाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा दही बड़ा मैं बना रही हूँ। इस ये दो हाफ कप का, दो कप मैंने ये हाफ कप से दो कप मैंने दाल भिगो दिया था, और ये आधी इंच करीब इसमें अदरक और चार हरी मिर्च पीस करके रख दिया है। अब इसको मैं बड़ा बनाऊंगी। बड़ा बनाने के लिए देखिए तेल मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें हाथों में ज़रा सा पानी ले करके, कैसे देना है, हाथों में ज़रा सा पानी ले लिया और इसको फेंट लिया है, और खूब अच्छी तरह से 20 मिनट करीब फेंटा है इसको। पीसने के बाद मैं अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये देखिए ये हुआ, और इसको मैंने इस तरह से राउंड में कर लिया, ये इस तरह से कर लिया। जैसे कांजी बड़ा बनता है वैसे तरह नहीं, ये जिस तरह बड़ा ये इडली बड़ा बनता है उस तरह का मुझे बनाना है। गांजी वड़ा तो गोल गोल बनता है, लेकिन ये जाने दीजिए। देख लीजिए देखिए फूल रहा है, इस तरह से फूल जाएगा। अब इसी तरह से मैं साड़ी को बना करके आ रही हूँ। ये देखिए
इस तरह से मुझे सारे को बना के आना है। ये देखिए, अब इसमें मैं नॉर्मल पानी दूंगी, ये नॉर्मल पानी है, उसको भिगोने के लिए गर्म पानी की कोई ज़रूरत नहीं, ये गर्म है एकदम, इसीलिए नॉर्मल पानी में नॉर्मल पानी में 1 टीस्पून तक, ये 1 टीस्पून मुझे नमक देना है। नमक को ज़रा सा घोल लेना है। थोड़ा सा हींग देना है। देने के बाद इसको ज़रा सा घोल दीजिए। ये देखिए मेरा ये पकौड़ा बहुत ही मुलायम बना है। अब इसको मैं भिगो दूँगी। ये गर्म है ना, अब ये पानी पी जाएगा, ये इतना पानी वो आराम से पी जाएगा। इसको अब मैं कम से कम 20-30 आधा घंटे के लिए आ रही हूँ। आधा घंटे से भिगोना है, भीगना है। इस वजह से मैं दबा देती हूँ ज़रा सा। बस ये नीचे ही पानी पीता रहेगा अपना, करके मैं 20 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देख लीजिए, अब मैं इसे दही को फेंट दूँगी। थोड़ा सा नमक। अब इसको मैं थोड़ा सा दोनों हाथों से दबा के, थोड़ा सा दबा करके इस तरह से ये बहुत मुलायम हुआ है। देखिए बहुत मुलायम हो गया। देखिए और इसको फिर मैं इसको ज़रा सा निचोड़ करके देती रहूँगी इसमें। जितना दही में भरा रहेगा अच्छा रहेगा। अब इसको मैं पहले ब्लैक पेपर दूंगी। हाथों में पानी होने से
हो गया। अब जीरा पाउडर, ये हो गया जीरा पाउडर। अब मैं मीठी चटनी दूंगी। धनिया पत्ता की चटनी दूंगी। थोड़ी सी मिर्ची दूंगी। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अब ये देखिए मेरा दही बड़ा।